अचानक मौसम में बदलाव और बेमौसम बारिश के साथ ओलावृष्टि होने से किसानों की फसलें काफी हद तक खराब हो गई हैं। चना गेहूं की फसल पर काफी मार पड़ी है, जिससे अब किसानों को चिंता सताने लगी है। अलीराजपुर जिले के किसान खराब हुई फसल का सर्वे करवाकर मुआवजे की मांग कर रहे हैं, तो वहीं सांसद गुमान सिंह डामोर ने जोबट विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि को ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्र को मुआयना कर जानकारी देने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने मौका मुआयना कर जानकारी दी और तहसीलदार से जल्द रिपोर्ट देने की बात कही है। वृष्टि बहुत ज्यादा हुई है और उस कारण से ग्राम पंचायत थापली में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, फसल का पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है फसल। और राजस्व विभाग से कल तहसीलदार महोदय जी आए हुए थे और वापस चले गए, उनकी टीम भी आई हुई है, लेकिन किसी नेता द्वारा नहीं आए, कोई भी नहीं आए। मौठा गिरने की वजह से गार वगैरह सब एक कट्टे पूरे टमाटर हवा चलने से हमारी फसलों का नुकसान हो गया। इस पे टमाटर में का 40-50 हजार का खर्चा हो गया, गेहूँ में 30-40 का भी हो गया। मैं इस क्षेत्र का दौरा करने के लिए आया हूँ और आज मैंने देखा है कि वास्तव में किसान की फसल लगभग पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है। और इस बात को लेकर मैं माननीय सांसद जी से, माननीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से बात करूंगा कि इनको अधिक से अधिक मुआवजा मिले।